अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अशोक नगर निवासी ज्ञानवती पांडे पत्नी अनिल पांडे निवासी अशोक नगर को उसके पड़ोस के मकान में रहने वाले बिन्नू सिंधी एवं उनकी पत्नी रेशमा सिंधी ने मारपीट कर उसके घर के खिड़की दरवाजे में तोड़फोड़ किया, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा सिटी कोतवाली थाना में की गई। साथ ही घटना की जानकारी डायल 100 को भी दी गई। घटना के बाद महिला सिटी कोतवाली थाना के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे ना तो न्याय मिला और ना ही कोई कार्यवाही की गई, जिससे तंग आकर महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। फरियादी की माने तो इसके बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे सरहंग महिला को अपने घर नहीं जाने दे रहे हैं। अब वह दर दर की ठोकरे खाते भटक रही है। आखिर पुलिस इस संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है, यह तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन जिस हालत में एक छोटे से बच्चे को लेकर महिला दर दर भटक रही है, यह लोगों के समझ से परे है। मामले की अगर जांच हो तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि आरोपी के साथ नित्य सिंधी एवं सुरेश सिंधी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे वह भयभीत है और अपने घर पर नहीं जा पा रही है। बना रहे हैं ना, यहाँ शराब न भी चाहिए। मेरा नाम ज्ञानवती पांडे है, मेरे पति के अनिल पांडे नाम है। मेरे घर में ये जो मतलब ये बिन्नू सिंधी है और ये निक्की सिंधी है और सुरेश सिंधी है, तो ये हमारे घर में घुसे थे। इनके नाजायज कारोबार होते हैं घर में और चार कुत्ता रखे हैं, तो कुत्ते के लेके मामले में विवाद हुआ। हमने बोल दिया कि कुत्ता किराए के घर में रखते हैं आप, और कुत्ता गेट में बाथरूम करते हैं, गंदगी मचाते हैं। इतनी सिर्फ बात हमने बोले तो इसी लेके हमको सब एकजुट होके और मेरी खिड़की दरवाज़ा मेरा बोर्ड मेरा मीटर और मेरे को माँ बहन के गाली देते हुए लपट पिटते हुए मारे हैं। कौन लोग हैं ये गाली गलौज करने वाले? ये किराएदार हैं घर के। कहाँ की घटना? ये घटना अशोक नगर की है, और मेरे बच्चे को और मेरे को मेरे हस्बैंड को जान से मारने को धमकी दिए हैं, बोले तुमने यहाँ से खाली करके चले जाओ। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? हाँ, हम थाने में शिकायत रातें किए थे, 100 नंबर को लगाए तो जब नहीं आए 100 नंबर वाले, तो हमने गए तो थाने में लिखी शिकायत किए, और फिर इसके बाद में जैसे हम घर आए तो ऐसे ये सब लोग हमारे ऊपर हमला कर दिए, और हमारे बच्चे को बोलते हैं कि हम उठवा लेंगे, तूने रंडी बहुत बड़े सिंधियों से पंगा लिया है, अब हमने 4 दिन से घर नहीं जाने पा रहे हैं, और हमसे हमको जान से मारने का धमकी दिए हैं।